भैया क्या बात है, काफी टाइम से खड़े हो यहाँ पे। भैया एक बात बताओ, आज कोई बस या ऑटो क्यों नहीं आ रहा? मुझे इंटरव्यू के लिए पहुँचना था और मैं लेट हो गया बहुत ज्यादा। भैया आपको पता नहीं है क्या, आज बस और ऑटो वालों की स्ट्राइक है। क्या? शिट, अब इंटरव्यू देने कैसे पहुँचूं? भैया एक तरीका है, बहुत ही आसान। कैसे? भाग कर चले जाओ। मजाक चल रहा है ना यार? नहीं नहीं सीरियसली, मैं आपकी जगह पर होता तो भाग कर चले जाता। मेरे भाई तुझे पता भी है इंटरव्यू कैसे देने जाते हैं? आपका ड्रेसिंग सेंस नीट और क्लीन चाहिए, और तू चाह रहा है कि मैं अपने कपड़े खराब कर लूं और अपनी हालत खराब कर लूं, है ना? पता कुछ भैया, यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने से अच्छा है अपने कपड़े खराब कर लो, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच तो जाओगे। अरे बस कर मेरे बाप, मुझे इंटरव्यू देने जाना है, सोचने दे कुछ। भगवान कैसे जाऊं यार मैं इंटरव्यू देने, 6 महीने से फ्री बैठा हूं घर पे। अरे भगवान क्या करेंगे, पैर दिए भाग कर चले जाओ। अबे अगर तू अब चुप, जाओ 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 निकलो। कह तू यार ये ठीक रहा है, अगर भाग के चला जाऊं एटलीस्ट पहुंच तो जाऊंगा ना। समय कम है? यस श्योर। जी बताइए। सर मैं इंटरव्यू के लिए आया था। इस हालत में? सॉरी सर, एक्चुअली सर आज बस और ऑटो वालों की स्ट्राइक थी, और सर ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए सर मैं भाग के आ गया। व्हाट, आप भाग के आए? सिट सिट, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। थैंक यू सर। आई एम सो सरप्राइज्ड, कोई इंसान जॉब इंटरव्यू देने के लिए भाग के भी आ सकता है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। आपका क्या रीज़न है? आई डोंट नो, आप ही बता सकते हैं। सर ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट। नो नो नो, आई डोंट नीड देम, जस्ट कीप देम इनसाइड। जो इंसान जॉब इंटरव्यू देने के लिए इतने एफर्ट्स कर सकता है, वो इंसान जॉब मिलने के बाद हमारी कंपनी को कहाँ ले जाएगा, कोई नहीं सोच सकता। सो मिस्टर, सर राहुल मेहता। सो मिस्टर मेहता कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड और आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नो वरीज, बेस्ट विशेस एंड गुड लक, गो अहेड मैन। थैंक यू सो मच सर। भाग कर चले जाओ। यार अगर वो पान वाला मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए मोटिवेट ना करता, यार मैं तो इंटरव्यू देने आने वाला ही नहीं था। यार एक बार तो उसको मिलके थैंक यू कहना बनता है।